ग्रैनी एक ऐसा गेम है जिस गेम को खेलने से हर एक बंदे की हालत टाइट हो जाती है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस गेम को खेलने वाले हैं, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर मैं ऐसे ही घूम रहा था एंड घूमते घूमते मुझे एक घर दिखता है एंड मैं जैसे उस घर के आगे बढ़ता हूँ तभी मुझे कुछ भूत जैसा दिखता है एंड मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, तो मैं जल्दी से भागता हुआ जाता हूँ उस घर के सामने। एंड गेस व्हाट गाइस, उस घर की ओनर और कोई नहीं ग्रैनी थी, जिसने की मुझे मार दिया था। ग्रैनी ने मुझे मार करके अपने घर में कैद कर लिया था और अभी हमारा टास्क ये होने वाला है की हम लोगों को इस घर से एस्केप करना है। ऑल राइट गाइज, हमारा डे वन शुरू हो चुका है ग्रैनी के हाउस में एंड अभी हमें यहाँ से एस्केप करना है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताना भूल गया, ग्रैनी गेम मैंने आज से पहले कभी नहीं खेला, तो देखते हैं भाई ये कैसा होने वाला है। लेकिन गाइज अभी हमारे पास 5 दिन है इस घर से एस्केप करने के लिए, तो ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। ऑल राइट, अभी मैं चेक कर लेता हूँ चेस्ट के अंदर कुछ है या नहीं है। भाई इसमें कुछ क्यों नहीं है यार, मुझे चाहिए सामान इसके घर से एस्केप करने के लिए। और अभी हम लोगों को यहाँ से कोई सामान नहीं मिला ग्रैनी के हाउस से एंड अभी हमें एस्केप करने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होगी। वैसे गाइस मुझे ये तो नहीं पता हम लोगों को क्या क्या चाहिए इस घर से एस्केप करने के लिए, बट जो डोर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से हमको एस्केप करना है। और अगर कभी ग्रैनी मेरे पीछे आई तो मैं इस रूम के अंदर छुपने वाला हूँ एंड यहाँ पे ना कुछ कोल्ड्रोन है एंड यहाँ पे हॉपर भी एक लगा हुआ है, तो इन हॉपर में तो कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ पे बाथटब है एक, और यहाँ पे बाथटब में कोई नहाता है क्या? ऑल राइट, यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे हम लोगों को एक की मिल चुकी है जिसका नाम है पैडलॉक की। मुझे इस की का यूज तो पता नहीं है बट इतना जरूर पता है ये हमारे काम आ सकती है। एंड अभी इस कमरे के अंदर भाई एक और बेड लगा रखा है जो की नकली सा बेड लग रहा है एंड यहाँ पे चेस्ट है कुछ। ऑब्वियसली मुझे पता था इनके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि इतनी इजीली हम लोगों को कोई सामान थोड़ी ना दे देगा। एंड अभी हम लोगों को ऐसे ही एक्सप्लोर करना है इस घर को। और एक सेकंड भाई, मैंने ऐसे ही चेस्ट खोली थी एंड हमें एक और की मिल चुकी है। और हाँ, मैं इस की के बारे में भी नहीं जानता, इस की से होता क्या है, मतलब आई डोंट नो सच बताऊं तो। और हाँ, अगर आप लोगों को गेम की आवाज आ रही है तो ठीक है, क्योंकि ये ग्रैनी बार बार मुझे आई सी यू एंड वेयर आर यू बोल के इतना ज्यादा डरा रही है। एंड एक सेकंड, हम लोगों को ना यहाँ से आर्मर मिल चुका है, लेट्स गो। और अभी यहाँ पे हम लोग गाइज, अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा भाई, यहाँ पे एरो चलने की आवाज आई, अभी मैंने नोटिस किया। एक सेकंड भाई, ये एरो चला कहाँ से और लगा किसको मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा हो चुका है जो कि मैंने नहीं किया ऑब्वियसली। एंड इस चेस्ट के अंदर भी कुछ नहीं लग रहा, ये खुली नहीं रही है। और एक सेकंड भाई, इसके अंदर क्या है? और यहाँ पे एक सीक्रेट टनल टाइप कुछ है और यहाँ पे कुछ ट्रैप डोर लगा हुआ था, इसका क्या यूज है मुझे नहीं पता। और एक सेकंड, यहाँ पे ट्रैप डोर गिर चुका है और मैं भी चल करके देखता हूँ इसके अंदर। वाह, अभी हम लोग उसी वाले रूम के अंदर आ चुके हैं जहाँ से हमने ये पेडलॉक की उठाई थी। एंड अभी एक काम करते हैं, हम ना नीचे चल करके देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा। एंड यहाँ पे एक वायर है। ओ एक सेकंड भाई, ये ग्रैनी कहाँ से आ गई एकदम? भाई इसने डरा दिया मेरे को सच बताऊं तो। और मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी इन चेस्ट में चेक कर लेता हूँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों को एक लीवर मिल चुका और ये ग्रैनी मेरे पीछे पड़ चुकी है। वैसे हम लोग इसको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, आई डोंट नो। एंड भाई निकलना होगा, हम इसको नहीं मार सकते। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग इससे ज्यादा दूर बच पाएंगे। एंड एक सेकंड, हम लोगों को एक कोड मिल चुका है, पता नहीं किस चीज का कोड है लेकिन ठीक है। एंड अभी हमारे पास बहुत सारा सामान हो चुका है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अभी मुझे इसका यूज नहीं पता। एंड यहाँ से छुप जाते हैं जल्दी से। मैं लिटरली क्या बताऊं, क्या ही डराऊं, क्योंकि भाई मैंने अभी तक ग्रैनी को देखा नहीं था और अभी यहाँ पे एकदम से मुंह पर देखा है मैंने ग्रैनी को। और अच्छा हुआ, चलो अभी मैं छुपाऊं थोड़ी देर के लिए। एंड एक सेकंड, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि देखो ग्रैनी अभी चली गई होगी क्योंकि उसको मैं नहीं मिला हूं। और अभी हम लोगों को इसी चीज का फायदा उठाना है, हम लोगों को यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे और सामान ढूंढना है। यहाँ पे एक मैप बना हुआ है लेकिन इस मैप में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सच बताऊं तो। अभी इस मैप को छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सारा सामान ढूंढना है एस्केप करने के लिए। और यहाँ पे चेस्ट में कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं ग्रैनी आंटी कुछ रखती है अपने घर पे या नहीं रखती। और यहाँ पे हम लोग फिर से आ चुके हैं डोर की तरफ एंड अभी नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है और इसके अंदर चलकर देखते हैं। और एक और सीक्रेट जगह में आ चुका हूँ मैं जहाँ पे एक चेस्ट रखी है जो की खुली नहीं रही है। हमने सारी चीजें ट्राई तो कर ली बट खुल नहीं रही है, चेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक और सीक्रेट एंट्रेंस खुली हुई मिल रही है हम लोगों को। एंड भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऊपर ही चलते हैं। वैसे मैं अलग रास्ते से ऊपर आया हूँ और एक सेकंड, इस चेस्ट के अंदर भाई हम लोगों को एक की मिल चुकी है जो कि कार की है, लेकिन हमें इसका यूज नहीं होने वाला क्योंकि ये कार की है और हम कार एस्केप नहीं करने वाला। और यहाँ पे एक चेस्ट है जो कि लॉक है, अभी शायद से हम लोगों को इसके लिए की लगने वाली है लेकिन मेरे पास कोई की नहीं है इसको लगाने के लिए। हम लोगों को ना एक ऐसी चीज चाहिए जो कि हमारे डोर एस्केप के काम में आ सके, ना कि ये कार वार एस्केप, क्योंकि ग्रैनी गेम में बहुत सारे एस्केप करने के रास्ते होते हैं जैसे कि कार एस्केप, एक बोट एस्केप भी होता है एंड हेलीकॉप्टर एस्केप। वैसे हेलीकॉप्टर वाला मुझे नहीं पता क्योंकि हाँ मुझे नहीं पता, डोर स्केप तो होता है लेकिन हेलीकॉप्टर स्केप होता या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। एंड मैं अभी पता नहीं कौन सी जगह में आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकंड, ये शायद सेम जगह है, देखी देखी सी लग रही है, पता नहीं मैं अलग ही घूम रहा हूँ और मैं घूम फिरा के एक ही जगह आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके घर के रास्ते नहीं पता। और यहाँ पे एक चीज रखी हुई है बट हम लोग इसको उठा नहीं सकते, चलो कोई ना। वैसे मैंने ट्राई तो कर लिया हर एक चीज से उठाने का लेकिन नहीं उठ रही है। एंड यहाँ पे एक और चेस्ट है जो की लॉक है, अभी ये भी नहीं खुलने वाली। लॉक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर स्लैब रखा हुआ है और इन
बैरल में भी कुछ नहीं है, आई थिंक सो यार। ऑलराइट गाइस, अभी मैं एक जगह में आ चुका हूँ, यहाँ पे इस चेस्ट के अंदर वाटरमेलन मिला है हम लोगों को। और पता नहीं भाई, देखो मैं एक अलग ही यहाँ पे जंकी यार्ड वाले रास्ते पे आ चुका हूँ और इसने मेरा यहाँ पे तरबूज काट दिया एंड हमें एक कॉइन मिल चुका है। और आई डोंट नो इस कॉइन का हम लोगों को यूज क्या होने वाला है। आई थिंक हम लोग ये कॉइन चेस्ट के वेल के अंदर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा यूज हो चुका है हैंडल, और एक सेकेंड, हमारे हैंडल यूज होने पे हम लोगों को एक हैमर मिल चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को एक हैमर मिल चुका है इस बैल के अंदर से, एंड अभी मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। और अभी मुझे थोड़ा सा सामान देखना है घर के अंदर कि हमारे कुछ काम का है या नहीं है। लेकिन एक सेकंड, मैंने तो ये बटन ऐसे ही दबा दिया था कि इसका क्या यूज होगा ये देखने के लिए, लेकिन ये ओ एक सेकंड ग्रैनी आ गई, और ग्रैनी को देख करके ये बटन भी काम नहीं कर रहा। और एक सेकंड में टीपी हो चुका हूँ। ओके, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि ये बटन काम ही नहीं कर रहा ग्रैनी आने के बाद, लेकिन मुझे पता चल चुका इस बटन का यूज ये होगा कि ये टीपी करेगा अंदर से बाहर, और ये ग्रैनी, सच बता रहा हूँ, ये पिटेगी अब मेरे हाथों से, सच बता रहा हूँ। भैंस की टांग, इस ग्रैनी को भी चैन नहीं है भाई, कभी भी कहीं पे भी मुंह उठा के आ जाती है। और एक सेकंड, ये रही ग्रैनी। अरे यार, आपको नहीं बोल रहा था, आंटी आप जाओ यार यहाँ से। मैं अपनी पड़ोस वाली आंटी को ग्रैनी बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा था यार, आप जाओ प्लीज। ये सच बता रहा हूँ, माइनक्राफ्ट के अंदर ग्रैनी खेलने का अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन सच में डर भी बहुत ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर ग्रैनी या फिर रियल वाला ग्रैनी नहीं खेला, और मुझे इतना भी ज्यादा पता नहीं है। और ये ग्रैनी मेरे को ही देख रही है क्या? ओ भाई, ये मेरे पीछे आने लग रही है, लग रहा है। ओके, सो अभी ये मेरे पीछे आ रही है, लेकिन अभी मैं पकड़ा नहीं जाने वाला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने आज से पहले ये गेम खेला नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कठिनाइयां हो रही हैं, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अंदर हमें कलेक्ट क्या करना होता है और ये ग्रैनी से बचना होगा हमें। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोगों को एक और न्यू जगह मिल चुकी है, और यहाँ पे मेरी एक की यूज हो चुकी है, जो की है यहाँ पे कार की, लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना। तो अभी यहाँ से हमें एक और की मिल चुकी है, तो अभी शायद से हमारे काम में आ सकती है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता करना क्या होगा, क्योंकि मैं इस प्लेस के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये लीवर क्या है। ओके, नेवर माइंड, इस रूम के अंदर चलकर देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे एक पिस्टन और एक प्रेशर प्लेट है भाई, इसका तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या यूज है, लेकिन यहाँ से निकलते हैं। और ये कार, ये ग्रैनी ने क्या सोच के लिए कचरा कार, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना ग्रैनी आने वाली है। बट छोड़ो, ग्रैनी के डर से ऐसे थोड़ी ना अंदर रह सकते हैं हम लोग, अभी हमारे पास 4 दिन और है, और अभी हमारे पास 4 लाइफ है ऐसा मान सकते हैं हम लोग, एंड यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, हमें कुछ और भी देखना होगा। आई थिंक हम लोगों को 2-3 चीजें और कलेक्ट करनी होंगी, एंड यहाँ पे अपने आप ये चेस्ट खुल चुकी है, और यहाँ पे हमें कटिंग प्लायर्स मिल चुका है, और इससे शायद से हम लोग ना वायर काट सकते हैं। और वायर मैंने शायद से एक जगह पे देखे थे, एक सेकंड, ये रहे ना। ऑल राइट, हमने वायर काट दिया, एंड यहाँ पे ये रेड हो चुके हैं, शायद से यही वायर्स हैं। और अभी मैंने एक और जगह देखे थे, वेट एक सेकंड, ये रहा डोर, एंड मैंने यहाँ पे डोर पे देखे थे एंड हमने इनको काट दिया है। एक सेकंड, ये ग्रैनी की आवाज थी ना, आई सी यू भाई, लिटरली यार मुझे डरा दिया। बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजों से ट्राई कर लिया इस डोर को खोलने का, बट ये डोर खुल ही नहीं रहा, पता नहीं किस चीज से खुलता है ये डोर। और आई डोंट थिंक सो हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत होगी जितनी सारी चीजें हमारे पास है। और ये ग्रैनी भाई, भाई क्या डराया है, सच बता रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं अभी ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, एंड एक सेकंड, व्हाट? ओके, अभी हमारा हैमर यूज हो ही चुका है, तो इसके अंदर चलकर भी देखते हैं इसके अंदर है क्या, क्योंकि ये रूम बहुत टाइम से लॉक है, एंड यहाँ पे चेस्ट में कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली दोनों चेस्ट में कुछ नहीं है, तो ये रूम खुला ही क्यों था। चलो छोड़ो, आई थिंक सो यहाँ पे कुछ काम का होगा इसलिए ये रूम खुला था, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा ये काम का। ओके, जैसा कि मैंने बोला ही था, इस रूम के खुलने से हमारा कोई ना कोई फायदा होने वाला है, यहाँ पे आयरन बार आ चुकी है, और ये दूसरा वाला रूम खुल चुका है, एंड अभी इसके अंदर देखते हैं इस वाले रूम के अंदर है क्या। एंड यहाँ पे हमारे कटर प्लायर्स यूज हो चुके हैं पता नहीं क्यों, और यहाँ पे लीवर मैंने दबा दिया, और यहाँ पे एक चेस्ट है जिसके अंदर एक की है, और ये प्ले हाउस की है। वाओ, एक हमें की मिल चुकी है गाइस। अभी गाइस मुझे ये तो नहीं पता इस की से क्या होने वाला, लेकिन अभी मैं मेन डोर पे जाने वाला हूँ इस की को लगाने के लिए, एंड देखते हैं क्या होगा इस की से। और आई थिंक हम लोग एस्केप करने वाले हैं इस की से, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे तो की वर्क ही नहीं कर रही, मतलब की हमारे इस की का कोई फायदा ही नहीं है। एक सेकंड, अभी ना मुझे ग्रैनी की आवाज तो आ रही है, लेकिन ग्रैनी नहीं दिख रही है भाई, यार क्या डराया है ग्रैनी ने। अबे यार, मैंने सोचा था कि हम लोग इस गेम में नहीं मरने वाले एक भी बार, एंड हमारा डे 2 शुरू हो चुका है, अभी हमारे पास 3 ही दिन बाकी हैं अभी। और अभी ना मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इन वायर्स का, नहीं भाई मैंने सच बता रहा हूँ, जानबूझ के ये वायरस नहीं छुए, और ये ग्रैनी मेरे पीछे आ रही है। ये गेम जितना डरावना लगता नहीं है उतना है भाई। वैसे गाइस, जो चीज मैंने अभी नोटिस की वो क्या आप लोगों ने नोटिस की, मतलब की वेट एक सेकंड, ये ग्रैनी फिर से पीछे गई है, इसका मतलब हम लोग जितने बार स्ट्रिंग पे दबाएंगे उतनी बार, मतलब ये बार बार वहाँ पे टीपी होगी। भाई ये क्या ग्लिच मिल गया मुझे ग्रैनी के अंदर। गाइस ये एक चीज आप खुद ही नोटिस करो, मैं जितनी बार स्ट्रिंग पे दबा रहा हूँ ये बार बार वहाँ की जगह पे टीपी हो रही है, यानी कि हम लोग इसको ट्रैप कर सकते हैं, ग्रैनी को ऐसे दबा दबा के वहाँ पे बार बार टीपी होती रहेगी ग्रैनी। ग्रैनी जितनी बेवकूफ समझ रहा था मैं उतनी ज्यादा है नहीं, अब ये मेरे पीछे आने लग रही है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कभी भी ये मुझे मार सकती है, एंड यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है छुपने का ज्यादा अच्छा। भाई क्या पागल बनाया मैंने ग्रैनी को, लेट्स गो। एंड एक सेकंड, यहाँ पे हमारी प्ले हाउस की यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, मतलब ये कोई चीज तो खुल चुकी है, एंड यहाँ पे हमारा कॉव व्हील भी यहाँ पे यूज हो चुका है। वैसे इस मिनी घर के अंदर और कुछ भी नहीं है, बस एक चेस्ट के अलावा
होगा और हमारे पास वेपन की है जिसका कोई यूज नहीं होने वाला इस घर के अंदर। और आई डोंट नो भाई इस चेस्ट को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, तो एक काम करते हैं घर से ही निकल जाते हैं। देखो गाइस अभी भाई शिट भाई क्या डराया यार इसने। भाई यार मैं क्या बताऊं, अब डे 3 शुरू हो चुका है और यार मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ग्रैनी वहां से एकदम से निकलेगी। मैंने तो बल्कि स्ट्रिंग के ऊपर मैंने कदम भी नहीं रखा, मैंने उसके ऊपर से छलांग मारी है। फिलहाल अभी ये सारी बात छोड़ते हैं, एक सेकंड हमारी वेपन की यहाँ पे यूज हो चुकी है, पता नहीं कहाँ पे यूज हुई है। एक सेकंड यहाँ पे यूज हुई है क्या, एक सेकंड यहाँ पे तो क्या ही यूज होगी। और एक सेकंड ऑल राइट फाइनली भाई हमें जिस चीज का इंतजार था वो मिल चुकी है, मतलब कि हमें एक क्रॉसबो मिल चुका है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे हमें एरो मिल चुकी है और इसका शायद से टैग। भाई ये एक बो है, मुझे लगा क्रॉसबो है और यहाँ पे ये डार्ट है जो भी मतलब बोल सकते हो इन्हें। बेसिकली ये एक एरो है लेकिन यहाँ पे हम इनको डार्ट बोलेंगे क्योंकि इनमें टेक्सचर पैक लगा हुआ है। ग्रैनी गेम में इनको डार्ट ही बोला जाता है। अभी मैं यहाँ पे एक ग्रैनी को स्पॉन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इनका यूज दिखा सकूं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक डार्ट मारा फेंक करके, मतलब कि हमें यहाँ पे इसको बेहोश कर सकते हैं 60 सेकंड के लिए। एंड हमें यहाँ पे कितनी भी यहाँ पे आवाज करेंगे तो ये उठने नहीं वाली, मतलब हमें परेशान नहीं करेगी। अगर मैं इसको बेहोश ना करता तो ये 60 सेकंड क्या भाई, एक सेकंड भी नहीं हिलने देती मुझे। और अगर मैं हल्की सी आवाज कर देता तो सच बता रहा हूँ ये मेरे पीछे आ जाती। बट ठीक है अभी ये 60 सेकंड बाद खुद ब खुद उठ जाएगी। एंड अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जंकी आर्ड में। अभी गाइस मैं एक बंदे की वीडियो देख करके आया हूँ जिसमें कि मुझे पता चला है अगर मैं इस फ्लावर पॉट पे यहाँ पे एरो लगाऊंगा तो हम लोगों को एक की मिलने वाली है। भाई नहीं खेल सकता मैं इस गेम को भाई, क्या घटिया गेम है ये ग्रैनी गेम, सच बता रहा हूँ मैंने इतनी सी भी आवाज नहीं की थी। और ये 60 सेकंड कब पूरे हो गए वो भी नहीं पता चला मुझे। और अभी डे 4 स्टार्ट हो चुका है और मुझे अभी सेफली खेलना होगा क्योंकि मैं अगर एक भी बार मरा तो भाई मेरे पास लास्ट मौका होने वाला है। एंड एक सेकंड यहाँ से कुछ तो निकला है ये राइट, इसके अंदर हम देखने चलते नीचे की तरफ पड़ा है इसके अंदर क्या निकला है हमें। एंड यहाँ पे हमें कुछ तो निकला स्क्रू ड्राइवर। एक सेकंड स्क्रू ड्राइवर से होता क्या पहले मुझे सोचने दो। आजा आजा ग्रैनी आंटी जी 60 सेकंड तक ऑफलाइन रहिए चलिए। हाँ तो देखो गाइज मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे ढूंढने की ट्राई की हमें स्क्रू ड्राइवर का क्या यूज होने वाला है लेकिन मुझे अभी तक पता ही नहीं चला स्क्रू ड्राइवर का यूज कहाँ पे होने वाला है। मैंने इवन जंकी यार्ड में भी घूम के आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे अभी तक पता नहीं चला है कि इसका यूज क्या होगा। और अभी मैं कार वाली जगह पे हूँ एंड यहाँ पे भी शायद से कोई यूज नहीं होने वाला इसका, अगर होना होता तो भाई ये खुद ही यूज हो जाता। ओके चाची जी आप 60 सेकंड तक ऑफलाइन रहिए जब तक मुझे कुछ पता नहीं चल जाता। वैसे इनसे क्या होगा भाई स्क्रू ड्राइवर से मुझे यही पता नहीं चला अभी तक। मैं जितना ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ उससे तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि ग्रैनी अब तक तो जाग ही गई होगी। देखो मैंने बोला ही था जाग गई होगी ये ग्रैनी। और भाई अभी हमारा लास्ट डे है, इस ग्रैनी ने जितना ज्यादा परेशान किया है ना भाई मैं एक एक करके इसका बदला लेने वाला हूँ। मतलब कि अभी डे 5 चल रहा है, मतलब आखिरी दिन, और अभी मैं ऐसे खेलने वाला हूँ छुप छुप के कि इसको दिखने ही नहीं वाला मैं एक भी बार। व्हाट भाई ये कैसे हो गया भाई, मैं तो डूबा हुआ था ना। हेलो भाई ग्रैनी एक सेकंड में फिर से मर गया, गेम ओवर। अरे भाई कोई तो मुझे समझाओ कि मैं मरा कैसे भाई, रियल ग्रैनी गेम में अगर एक बार छिप जाते हैं तो ग्रैनी को तो मिलते ही नहीं है।